تو ہمکو نار ہمکو روڈ تو کر دے تو پلیس سر پلیس اگر یہ مو دو دو بک بیٹی بچا بیٹی پڑھا یہ بچا وہ ایسی مارن ایسی جکا وہ مارن اگر یہ بس ترہ وری کام کرن بکوت گا سوئی کیا मोदी जी, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नतीजा। आप देख सकते हैं किस तरीके के से जो है आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं और अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। और उत की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जहां पे बड़े बड़े वादे और दावे करती है और आज वो वादे और दावे सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ICDS डिपार्टमेंट की जानिब से जो एक ऑर्डर आया था, हुक्मनामा आया था और 900 के करीब जो है औरतों को ये कहा गया था, जो ICDS डिपार्टमेंट वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं और सुपरवाइज़र है, ये कहा गया कि आपको टर्मिनेट किया जाए। पिछले 20 सालों से ये अपनी ड्यूटी जो है पुरजोर दे रही हैं और पिछले 20 सालों से ये डिमांड कर रही हैं कि हमारे प्रमोशन हो जाए। पिछले 3 सालों से ये तनख्वाहों से महरूम है और अपने हक इंसाफ की बात कर रही हैं। आपको मैं बता दूँ, पिछले 3 सालों से ये तनख्वाहों से महरूम थे और ये इंतज़ार करी थी कि कब हमारी तनख्वाहें जो है वो वागुजार की जाएं और अब ये इनके लिए ऑर्डर आया कि इनको जो है टर्मिनेट किया जा रहा है, इनको डिसंगेज किया जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें से कुछ औरतें ऐसी जो जिसमें त्योर नाखेज है और कुछ ऐसी हैं जो बेवा हैं और पिछले कई सालों से ये इस ख्वाहिश में थी कि आगे हमें तनख्वाह आएगी तब जाके हम अपने बच्चों को जो है आगे सहारा देंगे, तब जाके हम अपने बच्चों को जो है पढ़ाएंगे। मगर आज मैं बता दूँ, सिविल सेक्रेटरीट के अपोजिट जो है श्रीनगर में इन्होंने पुरजोर प्रोटेस्ट किया और अपने हक इंसाफ की बात की और अपनी डिमांडें जो है वो रखी, मगर इनकी डिमांड जो है हुक्मरान शायद सुन नहीं रहा है या फिर शायद वो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। आप देख सकते हैं प्रेस कॉलोनी में अब ये आ पहुंची है और अपने हक इंसाफ की बात कर रही है। अच्छा कोई लाइक है इसके मैं जब गोल मगर इस मानो ने किया ऐसे वापस ऑर्डर ऐसे एडमिशन वापस ये ऑर्डर नहीं वापस ऐसे पर ऑर्डर वापस आज के मैं थ्रू वेरी एट बस काम कर इसको गाचो हेल्पर टू सुपरवाइजर त्रुह त्रुहन वर्यन मन से पूछना चाहता हूं, जितने भी मुझे देखने वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वोट दिया है, आप लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है, आप लोगों की सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, आज वो सरकार कहां है? अब कई तरह इलेक्शंस होंगे, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, फिर से लोगों को कहा जाएगा हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे वादे किए जाएंगे, मगर अभी तक जो है लोग भी परेशान है कि हम किस पर भरोसा करें। और आने वाला वो वक्त है जब हुकूमत पर किसी को भरोसा ही नहीं रहेगा, वो वक्त कनकरीब आने वाला है। आपको मैं बता दूं, ICDS की डिपार्टमेंट जितने भी वर्कर्स हैं अब पुरजोर एहतजाज करते हुए नज़र आए सिविल सेक्रेटरीट की अपोजिट और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कफन भी लपेटा हुआ है। इनके बच्चों का क्या होगा जनाब, आपसे पूछना चाहता हूं, इनके बच्चे बच्चों का क्या होगा जो पिछले कई सालों से इस फिराक में है कि हमारी माँ की तनख्वाह वागुजार की जाएगी, तब हम जो है कुछ अपने लिए लाएँगे, तब हम जो है पूरी तरीके से खुल के जो है अपनी स्कूल जाएँगे। क्या यही इंसाफ है?
आप देख रहे थे जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।